नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। दबंगों के द्वारा गांव की पुरानी नदी व चारागाह में जेसीबी मशीन के माध्यम से खेत बनाकर कब्जा कर नदी के पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ दिया गया। जब गांव के किसानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दबंगों द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई। नदी के बहाव के दूसरी ओर मुड़ने से तेज किसानों की खेती कार्य प्रभावित हो रही है, जिसे लेकर किसानों के द्वारा जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शासकीय नदी के और चारगाह के अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई थी। वहीं कलेक्टर के निर्देश के बाद भी निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा कब्जाधारियों से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया और ना ही किसी तरह की कोई कार्यवाही की गई। पूरा मामला लखनपुर विकास खंड के ग्राम बेलदगी खुटेन पारा का है। किसानों का आरोप है कि गांव के दबंग काशीदास पिता स्वर्गीय करमूदास देवचरण दास पिता स्वर्गीय चरण दास के द्वारा बेलदगी खुटनपारा लुद्रु भावन नामक स्थिति नदी व चारगाह के जेसीबी के माध्यम से जबरन खेत बनाकर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही नदी के बहाव को मोड़ देने लगभग 23 किसानों का खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों द्वारा जून माह में इसकी शिकायत हल्का पटवारी से की गई थी। कार्यवाही नहीं होने के उपरांत किसानों के द्वारा 5 जुलाई को अंबिकापुर जनदर्शन में सरगुजा कलेक्टर को आवेदन देकर शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। तो वहीं सरगुजा कलेक्टर के निर्देश के बाद भी इस पर निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। वहीं किसानों की कृषि कार्य करने में काफ़ी परेशानियां आ रही है। नदी का बहाव खेत की ओर होने से नदी के जल में आने वाले खेत पूरी मिट्टी और बालू से पट चुके हैं। किसानों के मुआवजे की मांग भी शासन प्रशासन से की है। मेरा नाम सत्यदेव दास जी है, पिता चंद्रमोहन दास जी है, जाति पिनका, निवासी ग्राम बिलदगी का हूँ। आओ, हम लोग ये लुद्रु भावना नामक में खेत में हम लोग 22 एकड़ का खेत है। 2200 किसानों लोग खेती कार्य किए हैं, धान का खेती लगाया गया था। आओ, इसमें राजा बांध से बेलदगी में राजा बांध बना हुआ है, उसका पानी का बहाव लुद्रु भावना होते हुए नदी में मिल जाता था। उस नाला को काशीदास और उदय भगवान उनके पिता नहीं उनके बेटा जेबीसी मशीन से लाकर मतलब पूरा खेत बनाकर मतलब नाला नदी को बंद कर दिया गया है। और जिसका राजा बांध का बहाव सीधे कृषकों के खेत में पानी का बहाव हो रहा है, मिट्टी फाट दिया गया। अब हम सब किसान ही चाह रहे हैं कि उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए शासन से। और हम लोग कलेक्टर साहब के पास इसका समस्या लेके गए थे। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इनको तत्काल 3 दिवस के अंदर कार्रवाई करके बताया जाए, लेकिन उच्च अधिकारी के द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया, लापरवाही बरते गया। नहीं, जो नदी पुराना था उसी में बहे है ना, उसी में मतलब कब्जा हटा के नदी का पानी बहाव किया जाए। और जो पहले राजा बांध का जो नदी का नाला बना हुआ था पानी बहाव के लिए नहर, वो नहर को खुलवाया जाए। वो नदी, हाँ, जो नाला बह रहा था नदी है, नाला नहीं नदी है, उसमें ऊपर में स्टाम डैम भी बंधा है, उसी भी स्टाम बांध का पानी और राजा बांध का पानी बिल्डिंग का पूरा उस नाले में बहता था। उसको उदय दास और उसके पिता जैसी मशीन ला करके नाला को अतिक्रमण करके और नाला के पानी को खेत तरफ मोड़ दिए हैं।